अपना एक्सपीरियंस देंगे या आपको समझाएंगे। आपके पास पैसा नहीं है, कम पैसा कमाते हैं, आपको आगे बढ़ने की बहुत इच्छा है, आपके परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी पैसे हैं, मकान हो, ज़मीन हो, बच्चे पढ़ें, ये सारा कैसे पूरा होगा जब पैसा आपके पास नहीं है। जनरली क्या होता है, लोग के पास पैसा है तो बिजनेस कर लो, लेकिन बहुत लोगों को देखा गया है पैसा होने से बिजनेस नहीं होता, पैसा हो गया लगा गया 6 महीना साल भर के अंदर बर्बाद हो गया। तो पैसा आपके पास नहीं है, कम पैसा है, लेकिन बड़ा काम कर लीजिए, ये कैसे हो। तो जनरली लोग बोलता है पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली लाइफ में आगे बढ़ना है तो एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस है, अनुभव। ये अनुभव भी आपको कैसे होगा, आप अनुभव का जनरल प्रैक्टिस है कि आप किसी के साथ में रह के काम करें, उसका देखें सुने, तो आपको ज्ञान हो जाएगा, आप आगे बढ़ जाइएगा। तो इस बात को भी हम मानते हैं, लेकिन इससे भी बड़ी बात है, आप उस किसी आदमी को देखिए जो आपके साथ का है और आपसे बहुत आगे बढ़ गया, वो रोज़ बढ़ते जा रहा है, आपसे कम पैसा कमाता है, आपके बराबर पढ़ा लिखा है, आपके जैसा काम वो भी करता है, वो करता क्या है कि आगे बढ़ गया, आप अपने अगल बगल में देख सकते हैं, नकल करने का दूरी ऊंचाई से देखिएगा, पढ़े लिखे लोग भी है तो आप, कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन है जो आपके साथ का व्यापार शुरू किया, उसने क्या किया कि वो आगे बढ़ गया। अभी आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कंपनियों के बारे में, अमेज़न का नाम सुने, फ्लिपकार्ट का नाम सुने, ये अमेज़न वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी कैसे बन गई, इसके पास क्या पूंजी है, क्या है, ये कितना बड़ा काम करता है, ये तो छोटा छोटा काम करता है, 10 रुपया 20 रुपया का सामान आप खरीदते हैं उससे, वो डिलीवरी आप ही के यहाँ देता है, डिलीवरी चार्जेस भी आपसे लेता है, फिर भी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी कैसे बन गई, आपको ये देखना है। आप साधारण घर में देखते हैं लोग पैरोट पालता है, उसको ट्रेनिंग दे दिया, कोई दरवाजे पर आवे, गेट पर आवे तो बोलता है यू आर वेलकम, लोग बोलता है उसका कबूतर तोता तो बड़ा अच्छा है। वो क्या करता है, वो कुछ नहीं करता है, आपने उसको रट्टू मल बना दिया, याद करवा दिया, लेकिन वहाँ जो गेट पर उसका वो कस्टमर का आदमी का वेलकम कर रहा है आपके रिलेटिव का। कहने का मतलब मेरा जो अपना ज्ञान है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत विद्या हो, बहुत पूंजी हो, जितना हो उसी को कीजिए। ले कहते हैं गांव में छोटा छोटा कारोबार होता है माइक्रो, जैसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, झोपड़ी वाले घर लोग हैं, बकरी पालन ये सब कुछ कुछ लोग करते हैं, कुछ कमाई भी नहीं है, बैठ के गप करती है औरतें। सारे लोगों का सिद्धांत बदला है कि घर में औरत बैठी रहती है उसको छोटा मोटा काम दे दो, बैठारू है कुछ काम करेगी, उसको नॉलेज भी नहीं है। तो सरकारी इंस्टीट्यूशंस, बैंक हो गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो गया, प्राइवेट लेंडर हो गया, ये लोग गांव में पैसे देता है डायरेक्ट, 10,000 देंगे, 5,000 देंगे, 15,000 देंगे, वो बोलता है तुम कुछ भी करो। उसके बाद क्या है कि वो जानता है ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पैसा देंगे तो ले लेगा, उसके बाद कब देना है कि नहीं देना है उसको पता नहीं है, नहीं देता है या देने से मुकर गया तो लड़ाई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, बहुत सारा बात हुआ। फिर भी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी अब गांव देहात में जा रही है उसी मूर्खों के बीच में जो पैसा देना नहीं चाहता है, वो जानता है ये नहीं देगा, फिर भी उसके यहाँ जा रहा है, वो उसको लगता है हम यहीं आगे बढ़ जाएंगे, यही लोग हमको आगे बढ़ाएंगे। वो करता क्या है, टेक्निकली ब्रेन लगाता है, वो डेली बोलेगा संडे को मीटिंग है, जिसको जिसको पैसा लोन लेना है हमसे आ जाओ संडे को फलाने जगह आ जाओ। सारी औरतें ग्रुप बना कर आ जाती है 10, 20, 25, 50, वो उसको न पढ़ाता है न लिखाता है, वो कुछ नहीं बोलता है, सीधे बोलता है हर सोमवार को 5,000 रुपया लौटाएंगे, हर सोमवार को अपना इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, हर सोमवार को इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे, ये बोलेगा, उसको बोलेगा बोलो
दस मिनट 20 मिनट आधा घंटा बोलवा देगा, बोलेगा घर जाओ अगले संडे आना। फिर अगले संडे जाने में यही पूछता है, पिछला बार आए थे तो हम क्या पढ़ाए। 90% औरत भूल गई रहती है, वो तो सीधे घर से निकल के आई यही सोच के आती है जा रहे हैं तो पैसा देगा, बाकी वो सोच भी नहीं करती है हम क्यों जा रहे हैं। फिर वो पूछता है पिछला बार क्या बताया था, एक दो लेडीज जो उसमें नेता टाइप की हो गई आगे हो गई वो बोलेगी पिछला बार बताए थे संडे को पैसा लौटाना है, इंस्टॉलमेंट चुकाना है, बाकी नहीं बोलेगी। फिर बुझ जाएगा इसको नहीं पता है, फिर आज से आज रटवाएगा आधा घंटा रटो, संडे को पैसा चुकाना है, संडे को मंडे को इंस्टॉलमेंट चुकाना है, चुकाते जाएगी। ये तब तक वो रटवा देगा जब तक वो बुलाएगा ट्रेनिंग में, तब तक सारे औरत को पूरा याद ना हो जाए। उसमें अगर कोई एक दो ऐसी हो जिसको याद ही नहीं हो सकता, वो ध्यान ही नहीं देती है, अब वो पैसा देना शुरू करेगा। उसमें सेलेक्ट करेगा कौन है जिसको पूरा याद है कि हमको संडे को इंस्टॉलमेंट मंडे को चुकाना है, उसी को वो देगा, बाकी को नहीं देगा। फिर अब थोड़ा सा दे दिया, फिर अब अगले मंडे को उसके घर पर पहुंच रहा है, पैसा रखी है तो नहीं, क्यों तुमको तो याद करवाए थे मंडे को पैसा चुकाना है, उसमें से कुछ रखी है तो दे देगी, जो नहीं रखा है उसको जाकर याद करवाएगा, तुमको याद कराए थे ना मंडे को चुकाना है तो चुकाओ। इस तरह से क्या होता है कि वो पैसा मनी लेंडर गांव में पैसा देने लगता है मूर्खों को, और मूर्ख लोग चुकाने लगता है। फिर जब ये प्रभाव पड़ता है उन लोगों की हमको पैसा चुकाना है तो कैसे चुकाना है, हम तो ले तो आए, अब तो उसे कमाना पड़ेगा ना। मंडे के बाद से उसके दिमाग में दौड़ेगा तब लास्ट में एक ऑप्शन ऐसा भी आएगा कि हमारा फलाना पड़ोसी है, वो उसके पास पहले कुछ नहीं था लेकिन उसने एक फलाना बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे किया तो कमाया, उसका अब लाइफ अच्छा चल रहा है, तो उसका वो नकल करेगी, उसके अगल बगल जो हो रहा है जो चल सकता है उसी का नकल वो करेगी। तो ऐसा समय आएगा नकल करो, काम करो, पैसा कमाने का इरादा रखो, मीन्स एक ऐसा उसके माइंड में मेंटलिटी आएगा, जब मेंटलिटी आएगा उसको हम बोलेंगे भरोसा। वो प्राइवेट लेंडर कंपनी को भरोसा बाद में हो जाएगा कि नहीं ये आदमी ये औरत ये हमको हर मंडे को पैसा कहीं ना कहीं से करके देगी। और सबके पीछे एक ही बात है, विश्वास, भरोसा। अगर बोल दिया तो बोल दिया, वो चाहे जैसे हो किसी भी परिस्थिति में पूरा करना है। इस विश्वास के लिए उसको क्या करना होगा, बहुत एजुकेशन की आवश्यकता नहीं है, पैसा की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो विश्वास पूरा करेगा तो उसका बिजनेस कारोबार आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा ना। अब चलिए जहाँ पूंजी लगाने की बात है, बजट, जैसे एक शब्द होता है घाटा का बजट, घाटा का बजट। जैसे मान लिया हमारे पास इनकम 100 रुपया है, अगर हम टारगेट ले ले कि हमारे पास इनकम 100 ही है लेकिन हम 150 रुपया खर्च करेंगे, तो 150 का टारगेट अगर ले लिया तो वो कहीं ना कहीं से 150 पुराएगा। 100 इनकम है, 50 रुपया बगल से कर्जा ले लेगा, उधारे ले लेगा, किसी को ये भी बोल सकता है आपका फलाना सेवा हम देंगे, फलाने दिन ये काम कर देंगे, 50 रुपया लाइए। तो आज इस घर में 100 रुपया में जो होने वाला है वो 150 रुपया का होगा, मीन्स इसका 50% का जो है लाइफ स्टाइल या रहन सहन या डेवलपमेंट वो बढ़ गया, आज बढ़ गया। फिर उसको कल चिंता होगा, फला पनाने आदमी का 50 रुपया लिए हैं, या तो पैसा लिए, कर्जा लिए, या हमने काम करने का प्रॉमिस किया, तो कोशिश करना है कि उसका जो प्रॉमिस है वो पूरा हो जाए। फिर जब पूरा होने के लिए आप क्या सोचेंगे, वो कैसे करेंगे, आपके दिमाग में चलते रहेगा। फिर आप अपने अगल बगल में देखेंगे वो कैसे किया, वो कैसे किया, वो कैसे आगे बढ़ा, आप नकल किए कि आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया, हाँ ये सही है, हम भी ये करेंगे तो 2 पैसा कमाएंगे, उसका 50 रुपया हम लौट आ देंगे। तो जब ये आपने ये कोशिश किया और नया काम शुरू किया कि आपका नॉलेज बढ़ गया, आपने कमा कर दिया, अगले बार से आपके दिमाग में चलेगा एक बार इस तरह का हमने कोशिश किया था तो हम इतनी रुपया हमारी कमाई हुई थी, इस तरह से आपका कारोबार जो है आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। और आपने क्या जमाया, आप बहुत बुद्धि का प्रयोग नहीं किए, बहुत पूंजी का प्रयोग नहीं किए, आपने भरोसा को जमाया, बोल दिया तो बोल दिया, मेरा भरोसा है, मैं बोला तो बोला, चाहे जितना परिश्रम हुआ
जितना सोचना हुआ जो करना हुआ किया, लेकिन मैंने बोला तो बोला। पूरा 100 रुपया का इनकम नेशनल इनकम है और गवर्नमेंट ने टारगेट ले लिया 125 खर्च करेंगे, बाकी 25 के आमदनी के लिए तरह तरह का योजना बनाया, सोच बनाया और लोगों ने उसको दे दिया। फिर जब लोग दिया क्यों, सारे लोग पैसा क्यों दे दिए गवर्नमेंट में, पैसा लोग क्यों इन्वेस्ट कर दिए? क्योंकि उसको पता है ये गवर्नमेंट है, ये भरोसा नहीं तोड़ेगी। अगर हमारी पैसा ले ली है, 5 साल के बाद इतना लौटाने वाले हैं, तो 5 साल के बाद ये सियोर देगी। गवर्नमेंट का कुछ नहीं, गवर्नमेंट ने भरोसा दिया, इस भरोसा पर पूरे इंडिया के लोग पैसा दे रहे हैं, सरकार को कर्जा दिए, हमारे देश का सरकार उस पैसा को मेरे देश के विकास में लगाई, हम आगे बढ़े। तो हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है, पैसा नहीं है, हमने दूसरे के पैसा लेकर आगे बढ़ा और हम विकसित देश की श्रेणी में आ गए, बल्कि विकसित हो गए। भले गवर्नमेंट कुछ अपना तरीका है नहीं मालूम हुआ, लेकिन जब ये इतना बड़ा कंट्री घाटा का बजट बनाकर आगे बढ़ गया, आप अपने पड़ोसी देश को देखिए, पाकिस्तान को, उसने घाटा का बजट कभी नहीं बनाया, बर्मा को देखिए कभी नहीं बनाया, बांग्लादेश को देखिए, जो आपका पड़ोसी है जिसने घाटा का बजट नहीं बनाया, हम 100 कमाएंगे 100 में ही जिएंगे, तो वो हो गया कमाना खाना। अब आप समझिए, हम आप छोटे मोटे बात आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात भी आपको ध्यान दे देते हैं। करोड़पति लोग, छोटे मोटे लोग ऐसे करते हैं जो आप देखते हैं, हम देखते हैं। कुछ लोग 100 में 1 या 2 ऐसे होते हैं जो करोड़पति होते हैं, और उनकी फ्रेंडशिप या जान पहचान या परिचय एक दूसरे करोड़पति से ही होती है। तो वो करोड़ों का खेल कैसे करते हैं, उनको प्रॉफिट कितना होता है आपको आइडिया भी नहीं है। वो करोड़ों में लगाते हैं और करोड़ों कमाते हैं, कैसे कमा लेते हैं आपको नहीं पता चलता है, उनको पता चलता है। कैसे चलता है कि वो टेक्निकल ब्रेन यूज करते हैं, बहुत मेहनत है, टेक्निक लगाते हैं, छोटा छोटा टेक्निक, जैसे शेयर मार्केट आज के डेट में है, बिटकॉइन, क्या क्या बहुत सारा चीज़ आता है। ये क्या है, ये हम लोग गाँव घर में जुआ बोलते हैं, जुआ। जुआ सब क्या होता है, टेक्निक लगाता है लोग, 1 सेकेंडों में जीत गया, 1 सेकेंड में हार गया। उसी तरह पूंजीपति लोग भी एक तरह से जो शेयर मार्केटिंग करते हैं, हमारे छोटे लोगों के अनुसार ये शेयर मार्केटिंग एक तरह का जुआ ही है, लेकिन हाई ब्रेन का खेल है विथ पूंजी, बहुत पूंजी लगाकर हाई ब्रेन किया, या तो गया करोड़ों लाखों, आया तो करोड़ों लाखों। ये लोग बड़े बड़े गेम खेलते हैं, आता है तो बहुत, जाता है तो बहुत। तो ये विश्वास का चीज़ है, ये बड़ा चीज़ है, आपको नकल नहीं करना है। अगर आप छोटे लेवल की चीज़ है तो आप एक ही कीजिए कि हमने किसी का भरोसा अगर लिया तो उसको चाहे जैसे हो भरोसा पूरा करेंगे, लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम नहीं करने का आप टारगेट ले लीजिएगा, इसका मतलब है आपको पैसा कमाना है। तो जब वो आप सोचिएगा, आपके ब्रेन में उस बात की बैठेगी बात, तो आप जो है ज़रूर मेहनत कीजिएगा, ज़रूर सोचिएगा, आपका क्रिएटिव ब्रेन होगा, दिमाग खुलेगा, एक्सपीरियंस होगा, और आपका आगे बढ़ने का कदम स्टार्ट हो गया। जो आप स्टार्ट हो गया तो इसके बाद आप केवल 2 ही चीज़ बचा कर रखिए, भरोसा, एक्सपीरियंस, और दूसरे का नकल तो हो सकता है कि बहुत दिन के बाद आप तेज़ी से चलने लगे। तो ये मेरा कहना है कि छोटे लोग जो गरीब लोग हैं, जो लोग हैं, वो लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या सोचने का है। बहुत सारा तर्क दिए हम, थैंक यू, आगे भी बताएं।